के पास में भगे। जवाब दिया महाराज, अरे महाराज, हंस बोला क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों भाग रहे हो, इतनी तेजी से क्यों दौड़ ले आए हो, क्या हुआ? तो सिपाही बोले हैं पहरेदार महाराज, तुम्हें जिस बात का डर था, मेरे घर में सुना, ऐ घर में क्या हुआ, जिस समय कन्या मिलती है तो सिपाही तोड़ करके गए हैं, अपने आप लगा दो, वो नहीं पहुंच रहे हैं। मेरे घर में सुना, जब महाराज कंस को यह संदेशा मिला कि हमारे काल का अवतार हो गया, ऐ घर में कंस ने विलंब नहीं किया, नंगे पैरों से दौड़ता हुआ अपनी बहन देवकी के पास में पहुंचा। अपनी बहन देवकी के पास में पहुंचा, जवाब दिया कि बहना, ये तुम्हारी जो पुत्री हुई है ये मुझे दे दो। घर में देवकी कहने लगी, भैया तुमने हमारे छह बालक मार दिए, लेकिन तुमने मेरे छह पुत्र मार दिए हैं, लेकिन भैया ये तो बेटी है, लड़की है, ये तुम्हारा काल कैसे हो सकती है, आप इसे मत मानो। काल का विलंब नहीं किया तो क्या किया है, कसाई ने हरि बालिका छीन ली है हाथों, मैया देवकी कहने लगी, भैया हम तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, आपने हमारे छह बालकों का वध कर दिया है, लेकिन भैया ये तो पुत्री है, ये तुम्हारी भांजी है, ये तुम्हारा काल नहीं हो सकती, आप इसे मत मानो। लेकिन मेरे भगवान श्रोता महाराज कंस कहाँ मानने वाला, कंस ने जवाब दिया, बहन देवकी अपने कि ये हमारा काल नहीं है, लेकिन शायद तुम्हें नहीं पता है कि मानता हूं ये पुत्री ये बेटी हमारा काल नहीं है, लेकिन हो सकता है इसका पति या पुत्र हमारा काल हो, ये भी तो नहीं पता है। देवकी हल्ले हल्ले करने लगी, जवाब दिया भैया छोड़ दो मेरी बेटी को मत मारो, ये तुम्हें सदा आशीष देगी, आशीर्वाद देगी, ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन कंस ने इस बात को जवाब नहीं दिया, कंस
कन्या को जेल में घुमाया है और शिला पर पटकना चाहा तो वो कन्या हाथ से छूट गई और आकाश में पहुंची और बोली Thank you.